नवा अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि परमेश्वर की भक्ति का बहुत बड़ा फल है, अन्य सभी की भक्ति के छोटे फल होते हैं। भक्ति और भक्ति के परिणाम के बारे में बताते हैं और साथ में यह भी कि यदि कोई दुराचारी भी भगवत भक्त बन जाए तो वह भी तर जाता है। अध्याय केशव अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, क्योंकि तुम दोष दृष्टि रहित हो इसलिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान का वह गहरा रहस्य बताता हूँ जिसे जानकर तू इस कष्ट भरे संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान अनश्वर है, यह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे अधिक पवित्र है, यह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाता है, यह धर्म के अनुकूल है और इसका अभ्यास करना भी सरल और आसान है। जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ तक नहीं पहुंच पाते और वे इस जन्म मरण रूपी संसार में ही फंसे रहते हैं। अव्यक्त मैं ना तो दिखाई देता हूँ और ना ही मेरा शब्दों या अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। उसी अव्यक्त रूप से मैंने इस सारी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है। सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता, और फिर भी सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का निवास मुझ में नहीं है। मेरे इस दिव्य रहस्य को देख, मेरी आत्मा जो सब जीवों का मूल है वह उन सब जीवों को संभाले तो हुए है किंतु वह उनमें निवास नहीं करती। इस बात को समझ ले कि जिस प्रकार सब ओर चलती हुई तेज हवा सदा आकाश में स्थित रहती है वैसे ही सभी अस्तित्व में आई वस्तुएं मुझ में निवास करती हैं। कल्प के अंत पर सभी अस्तित्व में आई वस्तुएं उसी प्रकृति में विलीन हो जाती हैं जो मेरी अपनी है, और अगले कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर उत्पन्न कर देता हूं। अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं जीवों के समूह को बार बार उत्पन्न करता हूं जो मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस हैं। ये कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते क्योंकि इन कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता, इन कर्मों से मैं विरक्त रहता हूं, इनसे मैं अनछुआ रहता हूं। मेरी देखरेख में ही ये प्रकृति सब चराचर वस्तुओं को जन्म देती है और इससे ही यह संसार चक्र घूमता है। अज्ञानी लोग जब मैं मानव शरीर धारण किए होता हूं तब वे मेरी अवहेलना करते हैं क्योंकि वे मेरी श्रेष्ठ रूप वाली प्रकृति को नहीं जानते जो सब पैदा हुई वस्तुओं की स्वामी है। जो लोग राक्षसों और असुरों के मोहक स्वभाव को धारण करते हैं उनकी ऊंची ऊंची इच्छाएं व्यर्थ रहती हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ रहता है और वे विवेकहीन हो जाते हैं। वे महात्मा लोग जो मोह से मुक्त हो गए हैं, जो दिव्य प्रकृति में निवास करते हैं, वे मुझे ही सब पैदा हुई सब अस्तित्व में आई वस्तुओं का अनश्वर मूल समझकर एक ही भाव से और पक्की तरह से मेरी उपासना करते हैं। हमेशा मेरा ही गुणगान करते हुए, मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए और अपने पक्के इरादों पर स्थिर रहते हुए, उन पर मजबूती से टिके हुए, श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हुए और सदा योग में लगे हुए वे मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोग ज्ञान में यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे एक रूप वाला और साथ ही अनेक रूपों वाला सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए जानकर अनेक प्रकार से तथा पूरे विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों के लिए पिंडदान हूं, मैं ही औषधि हूं,
मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति भी हूँ। मैं ही संसार का पिता और माता भी हूँ। मैं ही आश्रय दाता और पितामह हूँ। मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ। मैं ही पवित्र करने वाला हूँ। मैं ही ओम ध्वनि हूँ और मैं ही ऋक् साम और यजुर्वेद हूँ। मैं ही लक्ष्य हूँ। मैं ही पालन करता हूँ। मैं ही स्वामी हूँ। मैं ही साक्षी हूँ। मैं ही निवास स्थान हूँ। मैं ही शरण हूँ। मैं ही प्रिय मित्र हूँ। मैं ही उत्पत्ति और विनाश का कारण भी हूँ। मैं ही विश्राम का स्थान हूँ और मैं ही अनश्वर बीज भी हूँ। मैं ही गर्मी देता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और छोड़ता भी हूँ। मैं अमरता हूँ और साथ ही मृत्यु भी हूँ। मैं सत भी हूँ, असत भी हूँ। मैं पदार्थ भी हूँ और आत्मा भी हूँ। जो तीनों वेदों को जानने वाले हैं, जो सोमरस का पान करते हैं और जो सब पापों से भी मुक्त हो चुके हैं, वे लोग यज्ञों द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुंचने के लिए मेरी ही प्रार्थना करते हैं। वे लोग स्वर्ग के पवित्र लोक में जाते हैं और वहां देवताओं को मिलने वाले सुखों का आनंद लेते हैं। उस विशाल और भव्य स्वर्गलोक का आनंद भोगने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वे फिर इस संसार में वापस लौट आते हैं। इस तरह शास्त्रों में बताए धर्म का पालन करते हुए और सुख भोगने की इच्छा रखते हुए वे जन्म मरण के आवागमन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्तजन हमेशा निष्काम भाव से मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, उन लोगों की सभी अप्राप्त इच्छाओं का भार और जो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसकी सुरक्षा का भार मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। उनके जीवन की सभी इच्छाएं मैं स्वयं पूरी करता हूँ। अन्य देवताओं की भी जो भक्त पूरी श्रद्धा से उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। ये और बात है कि उनकी उपासना ठीक विधि के अनुसार और सही तरीके से नहीं होती। मैं ही सभी यज्ञों को भोगने वाला हूँ और मैं ही उन यज्ञों का स्वामी भी हूँ। लेकिन जो लोग मुझे मेरे असली रूप में नहीं जानते, वे नीचे गिर जाते हैं। वे पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेतों के उपासक उनके पास जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। जो कोई मुझे प्रेम तथा श्रद्धा से पत्र फूल फल या केवल जल ही चढ़ाता है, उसके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध हृदय से दिए गए उस उपहार को मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो भी तू यज्ञ करता है, जो कुछ तू दान देता है या जो भी तू तपस्या करता है, उन सभी को तू मुझे ही दिया जा रहा उपहार समझकर करता जा। ऐसा करने से तू उन सभी शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे परिणामों से मुक्त हो जाएगा जो कि कर्म के बंधन के कारण है। अपने मन को कर्म के फल के त्याग के मार्ग में दृढ़ता पूर्वक पक्की तरह लगाकर तू मुक्त हो जाएगा और मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी प्राणियों के लिए एक जैसा ही हूं। मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। मुझे ना तो किसी से द्वेष है और ना ही किसी से प्रेम। लेकिन जो पूरी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे अंदर हैं और मैं भी उनके अंदर ही हूँ। यदि कोई बड़ा से बड़ा दुराचारी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है, तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है। वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे चिरस्थायी शांति और परम गति मिल जाती है। इस बात को तू निश्चित रूप से समझ ले कि मेरा भक्त
कभी नष्ट नहीं होता। जो लोग मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न कुलों में ही उत्पन्न क्यों ना हुए हों, चाहे वे बड़े से बड़े पापी ही क्यों ना हों, वे भी मेरी शरण में आकर परम गति को पा लेते हैं। फिर ब्राह्मणों, धर्मात्माओं, भक्तगणों और तुम जैसे राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, इस अस्थाई और दुख भरे संसार में आकर अब तो मेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर। इसलिए पार्थ, अपने मन को मुझ में स्थिर करके मेरा भक्त बन, मेरी उपासना कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अपने आप को अनुशासन में रखते हुए मुझे अपना लक्ष्य बनाकर तू मुझ तक अवश्य पहुंच जाएगा। नवाध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।